Good morning, dear students. In previous class, we have read the reading is fun topic of page number 65. Now we will continue the next topic in this page number is let's talk. The first question in this section is do you go for morning walks? क्या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, यानी कि सुबह आप क्या टहलने के लिए जाते हैं? द आंसर इज यस, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स. अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, और अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते हैं तो आप लिखेंगे नो आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाता हूँ. ठीक है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हैव यू एवर सीन एंट्स इन द गार्डन? क्या आपने कभी चींटियों को गार्डन में देखा है, मतलब कि बगीचे में क्या आपने कभी चींटियों को देखा है? द आंसर इज यस आई हैव सीन एंट्स इन द गार्डन, दे मूव रियली फास्ट. तो हाँ, इसका आंसर हम ये लिखेंगे कि हाँ, हमने चींटियों को देखा है. यस, मैंने चींटियों को देखा है गार्डन में, और वो जो है सच में बहुत तेजी, मतलब कि तेजी से चलती हैं. ठीक है. द थर्ड क्वेश्चन इज वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स. थर्ड क्वेश्चन में आपको देखना है कि वो चींटियां जो है कहाँ जाती हैं और क्या कैरी करती हैं अपने होल्स में. वो चींटियां आप सबको पता है कि होल में रहती है, यानी बिल में रहती है, छेद में रहती है. ठीक है. तो आपको ये बताना है कि वो, मतलब देख के बताना है कि आपको जो चींटियां जो है क्या कैरी करती हैं और अपने क्या कैरी करके अपने होल में ले जाती हैं. ठीक है. द आंसर इज दे स्टार्ट फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द गार्डन टुवार्ड्स ए स्मॉल होल. तो यहाँ पे मैंने गार्डन का ही एक सीक्वेंस लिया है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो जो चींटियाँ जो हैं गार्डन के मेन गेट से अपने होल की तरफ जाती हैं एट द एंड ऑफ द पार्क. अपने पार्क के, मतलब कि जिस पार्क में मान लीजिए हम गए हैं, वहाँ के पार्क के एंड में जाती है. तो वो क्या कैरी करती है? दे कैरी टिनी लेफ्ट आउट ग्रेन पार्टिकल्स दैट मूव टुवार्ड्स देयर होल्स. वे जो हैं, वो जो हमारे खाने के छोटे छोटे दाने होते हैं ना, जो टुकड़े हम खाते वक्त गिरा देते हैं, उन दानों को जो है चींटियाँ कलेक्ट करती हैं, मतलब कि अपने छोटे छोटे हाथों से कलेक्ट करके उनको अपने होल में ले जाती हैं, अपना खाना जमा करती हैं. ठीक है. तो ये काम चींटियाँ करती हैं. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस पेज नंबर इज टीम टाइम. ठीक है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसपे कि आपको अपने टीम में आपको वर्क करना है. इस क्वेश्चन डिस्कस करना है. यू हैव टू डिस्कस दिस क्वेश्चन इन योर फ्रेंड टीम. आपको एक टीम बनाकर इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है. ठीक है. द क्वेश्चन इज डू यू नो व्हाई यू सी स्नेल्स एंड अर्थ वर्म्स आफ्टर इट रेन्स. क्या आपको पता है कि आप स्नेल्स, मतलब कि घोंघा जो मैंने बताया था आपको चैप्टर में, और अर्थ वर्म्स का मतलब होता है केंचुआ, एक छोटा सा जीव होता है जो मिट्टी में पाया जाता है. ठीक है. और मिट्टी के अंदर ही रहता है वो. आफ्टर इट रेन्स, तो बारिश होने के बाद जो आपको पता है कि स्नेल और केचुए क्यों बाहर निकल आते हैं. जब बारिश नहीं होती है, मिट्टी के अंदर रहते हैं या फिर कहीं रहते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते हैं. लेकिन जब बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद जो है ये बाहर निकल जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है. द आंसर इज स्नेल्स एंड अर्थ वर्म्स लीव डीप अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो स्नेल और अर्थ वर्म्स जो होते हैं वो अर्थ के सर्फेस जो होता है, अर्थ का जो पहली परत होती है मिट्टी की, उसके बहुत नीचे रहते हैं, मतलब कि जमीन के अंदर वो रहते हैं. सो वेन एवर इट रेन्स देयर हाउस गेट्स वेट. और जब कभी बारिश होती है तो उनके घरों में पानी आ जाता है. अब जमीन के अंदर रहेंगे तो उनके घर में तो पानी आएगा ही, और वो पानी से गीला हो ही जाएगा. सो वो जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण से ही दे हैव टू कम ओवर द सर्फेस, उनको सर्फेस के ऊपर आना पड़ता है. ऑन द ग्राउंड टू फाइंड प्लेस टू लिव एंड फूड टू ईट. उनको सर्फेस के बाहर आना पड़ता है बारिश के कारण, ग्राउंड पे, ताकि वो खाना ढूंढ सके अपना, क्योंकि उनके घर में तो पानी आ जाता है बारिश के महीने में. तो एक बार इसका आंसर मैं फिर से आपको पढ़कर बता देती हूँ. स्नेल्स एंड अर्थ वर्म्स लीव डीप अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. सो व्हेनेवर इट रेन्स देयर हाउस गेट्स वेट. ठीक है.
उनके हाउस जो है पानी से गीले हो जाते हैं, यानी कि उसमें पानी भर जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ विच दे हैव टू कम ओवर द सर्फेस एंड ऑन द ग्राउंड टू फाइंड प्लेस टू लीव एंड फूड टू ईट। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इन सारी चीज़ों को देखा।